Okay, Hess law of constant summation kya bolta hai? Ki enthalpy change in a reaction is same whether reaction takes place in one step or more than one steps. Or more than one step. ठीक है? So according to this, अगर suppose एक reaction हो रही है, ये जिनका best हो रहा है, वो देख लो उसको. अगर कोई एक reaction हो रही है, A to B, right? और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे heat changes that is equal to Q. और यही रिएक्शन हो रही है टू सी टू बी एंड ए टू सी जो हीट चेंज है दैट इज क्यू वन एंड सी टू बी जो हीट चेंज है दैट इज क्यू टू देन अकॉर्डिंग टू द लॉ क्यू विल बी इक्वल टू क्यू वन प्लस ठीक है दिस लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड By taking the following example, जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड इट इज सीन दैट डेल्टा एच जो इसका है दैट इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल ठीक है अब यही वाली जो रिएक्शन है दैट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन टू स्टेप्स पहले कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो है वो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा एच इस रिएक्शन का जो है दैट इज माइनस 283.5 किलो जूल्स पर मोल और डेल्टा एच जो इसका है दैट इज इक्वल टू माइनस 110.0 किलो जूल्स पर मोल नाउ टू गेट दिस रिएक्शन हमें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा सो हम ऐड करते हैं इनको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कट गया दोनों साइड कार्बन प्लस वन प्लस वन इज ओ टू टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और डेल्टा एच यहां पे क्या आ जाएगा इसको और इसको भी हम ऐड कर देंगे माइनस एंड माइनस इज प्लस बट द सेम रिमेन्स साइन रिमेन्स माइनस सो ये आ जाएगा माइनस 0.5 किलो जूल्स पर मोल ठीक है सो दिस इज हाउ वी इलस्ट्रेट दिस रिएक्शन इस वाली जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे थे द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू डिटरमिन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सो लेट्स सी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं फ्रॉम हेस लॉ applications to determine the enthalpy of formation right enthalpy of formation ke liye we will have to take one एग्जाम्पल क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन इज कैलक्यूलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कैलक्यूलेट एंथैल्पी ऑफ
formation of ethane from the following data. So let's see, data हमें क्या दिया है? First question, first जो equation दी है, that is carbon plus oxygen to give carbon dioxide. Delta H for this reaction is -393.5 kilojoules per mole. Second reaction हमें दी है H2 plus half of O2. Give H2O and delta H for this reaction is given as -285.8 kilojoules per mole. Third reaction is the combustion reaction, jispe hum combustion kar rahe hain ethane ki. Ethane is C2H6 plus 7/2 O2 to give CO2 plus 3H2O और इसकी जो delta H दी है -1560 kilojoules per mole. Now इससे हमको calculate क्या करना है, जिन students ने class miss करिए please देखो आराम से बाद में copy करना. Enthalpy of formation of ethane calculate करनी है. फॉर्मेशन ऑफ इथेन का मतलब होता है कि उसी के एलिमेंट से हमें इथेन बनाना है. इथेन है C2H6, बैलेंस करो एंड इसका हमको डेल्टा एच फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है. ओके, अब उस इक्वेशन को इन तीनों से हम कंपेयर करेंगे. यहाँ पे इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 2 कार्बन के एटम्स हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे 1 कार्बन का एटम है, तो इसलिए इसको इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड राइट हैंड साइड पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का एटम है, तो इसे हम एटम भी सॉरी मोल है, सो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, 2 मोल्स बनाने हैं हमको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मोल्स बनाने हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इन दोनों इक्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2C plus 2O2 to give 2CO2. डेल्टा H को भी करना पड़ेगा, सो डेल्टा H कितना आ जाता है, -393.5 into 2 कितना आएगा, -7.00. ठीक है, किलो जूल्स पर मोल. सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3H2 प्लस 3/2 O2 टू गिव 3H2O और डेल्टा H को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है, -857.4 किलोजूल्स पर मोल. ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे है, तो हमें ये दोनों इक्वेशंस ऐड करनी पड़ेंगी ताकि हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पे ला सकें. सो लेट्स ऐड बोथ दीज इक्वेशंस. ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2C plus 3H2 plus 7/2 O2 to give 2CO2 plus 3H2O. Data B add करना है, minus and minus is plus, but the sign remains minus. So delta H क्या आ जाएगा? 1644.4. -1644.4 kilojoules per mole. Right? Then we go on to the last equation. Last equation में C2H6 हमारे पास left hand side पे है, right? पर यहाँ पे हमारे पास C2H6 right hand side पे है. तो इसे right hand side पे ले जाने के लिए हमें इस equation को इस equation से minus करना पड़ेगा. तो minus करते हैं, minus करके हमारे पास क्या आ जाएगा? -C2H6 minus
O2 to give minus 2CO2 minus 3H2O. So ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया, ये और ये भी कट गया. So हमारे पास क्या बचा? 2C plus और ये माइनस है उस साइड, राइट हैंड से जाके ये प्लस हो जाएगा. So this will become C2H6. इसका डेल्टा H हमें माइनस दिया हुआ है. माइनस एंड माइनस इज प्लस. No, sign will also become minus of, plus only over here. Minus into minus is plus. Sign will also become plus. Okay. So answer अब इसका क्या आएगा? ये 1560 आ गया. Minus करेंगे हम इसको. 84.4. So delta H that is equal to माइनस 84.4 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है. सो इस तरह से इसके हेस लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अटेम्प्ट करने हैं. क्लियर हो गया. देन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल गो ऑन टू टुडे इज अदर टाइप ऑफ एंथैल्पीज. Other types of enthalpies. अभी तक हमने enthalpy of reaction करा, enthalpy of formation करा. अब next type of enthalpy जो हम करेंगे, that is enthalpy of solution. Enthalpy of solution. पहले define करो इसको, enthalpy of solution. It is the enthalpy change when one mole, enthalpy change when one mole of it dissolves in 1 mole dissolves in a specified amount of solvent at constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure. This is what enthalpy of solution is. Basically, मतलब solution जो है वो कैसे बनता है? एक solute को आपने solvent के अंदर dissolve करा और वो solution बन गया. ठीक है. अब जब एक solute को हम solvent के अंदर dissolve करते हैं तो ऐसा क्या उसके अंदर changes होती है कि वो उसके अंदर dissolve हो जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ले रहे हैं, इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हैं. तो जब हम इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो पहले सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होंगे ना. सो ये पहले इसका जो क्रिस्टल होता है वो ब्रेक होता है और उस क्रिस्टल को ब्रेक करके रिस्पेक्टिव आयंस बनते हैं विच आर इन द लेट्स से इन द गैसियस स्टेट. ठीक है. अब जो एनर्जी इनको ब्रेक करने के लिए चाहिए उसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. राइट. सो लैटिस एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट
of energy released when one mole of a crystal lattice when one mole of crystal lattice is broken into its constituent particles ठीक है इस लैटिस एनर्जी को हम डेल्टा एच लैटिस के साथ डिनोट कर देते हैं डेल्टा एच लैटिस अब ये जो लैटिस एनर्जी है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड नंबर वन ये डिपेंड करेगी साइज ऑफ द आयंस के ऊपर जितना छोटा साइज होगा आयन का उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए तो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयंस लार्जर इज गोइंग टू बी द लैटिस एनर्जी सो हम बोलते हैं साइज ऑफ द आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी ठीक है सेकेंड इट विल डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन द आयंस अगेन अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो क्या होगा लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी ज्यादा एनर्जी चाहिए हमको उसको ब्रेक करने के लिए तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है सो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक सब्सटेंस को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो पहले हम उसको उसके रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर रहे हैं उसके लिए हमें लैटिस एनर्जी चाहिए अब वंस ये ब्रेक हो गए तो फिर ये सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट होंगे उसके साथ मिक्स होंगे तो मतलब कि जैसे फर्स्ट फैक्टर ये आ गया सेकेंड फैक्टर एनए गैसियस सॉल्वेट हो रहे हैं ठीक है जब ये सॉल्वेट होंगे तो इसे हम एनए एक्वस बुला लेंगे अब इन दिस केस ऑल्सो एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड और उस एनर्जी को हम क्या बुलाते हैं इट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी और इसे हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा एच हाइड्रेशन ओके सो अगर हम इसे देखें और हम इसे देखें तो हम एक स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं कि डेल्टा एच सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज अ सम टोटल ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इट इज अ सम टोटल ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दिस इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ठीक है क्लियर हो गया अब इससे हम लैटिस एनर्जी जो हमने करी इससे हम डेल्टा एच रिएक्शन भी निकाल सकते हैं लैटिस एनर्जी से हमने ये तो निकाली है डेल्टा एच सॉल्यूशन पर इसी से हम लैटिस एनर्जी से हम डेल्टा एच रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और उसे हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल ठीक है सो लेट्स सी किस तरह से डेल्टा एच आर निकाल रहे हैं हम फ्रॉम लैटिस एनर्जी
bond labor cycle. Now according to this, जब भी एक हम बोल रहे हैं कि NaCl हमको बनाना है, उस NaCl बनाने के लिए हमको डेल्टा HR कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? Na plus Cl2, this is enthalpy of reaction to give us NaCl, और अगर हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे half of Cl2 ले लेते हैं. ठीक है, ये जो सोडियम है ये सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है. ओके, अब ये वाली रिएक्शन कैसे होगी? सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आपने सोडियम लिया सॉलिड फॉर्म में, उसके ऊपर हमने क्लोरीन गिरा दिया और वो सोडियम क्लोराइड बन गया. दिस कैन नॉट हैपन. तो कुछ इसमें रिएक्शन होनी चाहिए. ये जो सॉलिड सोडियम है ये पहले कन्वर्ट होगा गैसियस सोडियम में, और उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? जब सॉलिड से गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन एनर्जी. सो हम यहां पे लिख देते हैं कि सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए. ठीक है, अब गैसियस में से हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए? एक एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम से एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? सो ये हमें Na पॉजिटिव दे देता है. ठीक है, उसी तरह से यहां पे हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल को एटमिक क्लोरीन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए टू गिव अस क्लोरीन गैसेस. इस क्लोरीन गैसेस पे हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये दे देगा सीएल नेगेटिव. ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव NaCl बना देंगे. अब ये लैटिस बन रहा है NaCl का, तो ये कौन सी एनर्जी हो गई? लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं. अब डेल्टा HR क्या होगा? सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज जो कि इस प्रोसेस में हो रही है. ठीक है ना, so what is delta HR? Sublimation energy plus ionization energy plus half of dissociation energy plus electron gain enthalpy plus lattice energy. Okay, अब आपने एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि electron gain enthalpy और लैटिस एनर्जी ये दोनों हमेशा नेगेटिव में होते हैं. ओके, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होंगे. बाकी सारे के सारे जो भी हम यहां पे यूज कर रहे हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी पॉजिटिव. सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव. तो यहां पे जब हम डेल्टा एच आर कैलकुलेट करते हैं तो हमें साइंस का ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सो दिस इज आवर फर्स्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? द सेकंड टाइप ऑफ एंथैल्पी व्हिच वी आर गोइंग टू डू दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. Thank you.
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? When acid or base get reduced, acid plus base to give salt plus water. That is neutralization. ठीक है? अब इसमें process में जब हम acid और base को react करेंगे to give salt plus water, तो कोई enthalpy changes इसमें भी होंगे? उस एंथैल्पी चेंजेस को हम क्या बुलाते हैं? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, राइट? इट इज नोन एज डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन. तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी? द एंथैल्पी चेंज व्हेन One mole, when one mole of an acid is completely neutralized, amount of base by a specified amount of base, उसे हम क्या बुलाते हैं? enthalpy of neutralization. मतलब मोटा मोटा इसको और इसको react किया, salt और water, delta H हमेशा negative. Okay, delta H of neutralization is always negative. जो delta H solution हमने करा है, it may be positive, it may be negative, depending की lattice energy और hydration energy में क्या signs रहते हैं. Lattice energy तो हमेशा negative होती है, but hydration energy may be positive. ठीक है? But यहाँ पे enthalpy of neutralization जो होती है, that is always going to be negative. और एक और चीज याद रखनी है आपने कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू -57.1 किलो जूल्स पर मोल. हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हमेशा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की यही वैल्यू होती है -57.1. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, जैसे हम एक रिएक्शन कर रहे हैं HCl प्लस NaOH, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस to give NaCl plus water. जो neutralization reaction है, that is due to formation of water. और water की formation कैसे होगी? इसमें से H positive ion acid में से, इसमें से OH negative ion base में से. ठीक है? ये दोनों जब react करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड की, वो डिपेंड करती है कि कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव आयंस की कितनी है. ठीक है? और बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. अब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं, तो उसपे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस और ओ एच नेगेटिव आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी तो रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है वॉटर. अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो,
चाहे आप HCl ले रहे हैं, आप H2SO4 ले रहे हैं, आप HNO3 ले रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो है ये strong acids हैं। जब इन तीनों की neutralization हम NaOH के साथ करेंगे, which is a strong base, या KOH के साथ करेंगे, which is also a strong base, तो हमेशा result -57.1 kilojoules रहेगा। अगर acid या base weak है, in that case enthalpy of neutralization -57.1 से कम होगी, okay? So if we are taking a weak acid, delta H neutralization is always less than 57, -57.1 kilojoules per mole. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो weak acids होती हैं, जैसे acetic acid है, ये weak acid है, ये weak acid completely dissociate नहीं होती. अगर ये completely dissociate नहीं होगी, तो H positive ions पूरे नहीं निकलेंगे. कुछ H positive ions undissociated रह जाते हैं. तो अगर वो पूरे नहीं निकलेंगे, तो neutralization reaction भी complete नहीं होगी ना. और अगर neutralization reaction complete नहीं होगी, तो delta H में तो फर्क पड़ेगा ही. Certain energy जो है, वो चाहिए to completely break this. इसको completely तोड़ने के लिए हमें कुछ energy चाहिए. ठीक है? वो energy यहाँ use हो जाती है. तो इस पे फर्क पड़ जाता है. ये less than this होती है, it is approximately equal to -55. कुछ when we are taking acetic acid, okay? Otherwise अगर हम strong acid और strong base लेते हैं, in that case it is always equal to what? -57.1. समझ आ गई? दो enthalpies हमने करी, enthalpies of solution and enthalpy of neutralization. The next is enthalpy of phase transitions. Transitions का मतलब क्या होता है? Phase हुआ solid liquid gas. तो phase transition का मतलब solid liquid में convert हो रहा है, liquid gas में convert हो रहा है, या solid directly gas में convert हो रहा है. तो उसमें जो enthalpy changes होते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? That is known as enthalpy of phase transitions. तीन तरह की enthalpies हमने इसके अंदर पढ़नी है. The first one that is known as enthalpy of fusion. ठीक है? क्या हुआ enthalpy of fusion? Enthalpy change when one mole of a solid changes into liquid. Right? That is enthalpy of fusion. When one mole of a solid changes into its liquid state, जैसे for example हम ice ले रहे हैं, ice water में convert हो रही है, तो इसका जो delta H है, that is going to be enthalpy of fusion, and delta H is equal to 40.79 kilojoules per mole. kilojoules per mole. जो enthalpy of fusion होती है, it is always positive. Always positive. Second, enthalpy of vaporization. K
किस तरह से डिफाइन करेंगे व्हेन वन मोल ऑफ अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर स्टेट. When one mole of a liquid, changes into vapor state. For example, water जो है वो gaseous state में convert हो रहा है. Into vapor. So this is enthalpy of vaporization. एक गलत चीज पहले यहाँ पे 6 आएगा डेल्टा एच को लगाना. यहाँ पे प्लीज करेक्ट करो डेल्टा एच ओवर हियर दैट इज इक्वल टू 6.0 किलो जूल्स पर मोल. 6.0 किलो जूल्स पर मोल और ये डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू 40.79 किलो जूल्स पर मोल. दिस इज ऑल्सो always is going to be positive. Clear? Next. Enthalpy of sublimation. When one mole of a solid converts into directly into gaseous state. That is also positive, but delta H sublimation is the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Sum total of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. ठीक है, तो आज हम यही करेंगे.